नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं द हेल्थ केयर टुडे। गर्मी के मौसम में होने वाली कई बीमारियों के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं गर्मी में होने वाली बीमारी फूड पॉइजनिंग की। खाने में लापरवाही की वजह से फूड पॉइजनिंग जैसी दिक्कत सामने आती है। इसमें शरीर में कमजोरी के साथ साथ पेट दर्द, उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे होता है ये फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो पुराने खराब या दूषित भोजन से होता है। बैक्टीरिया या उसके विषैले तत्व जब हमारे पेट में जाकर आंतों में संक्रमण फैलाते हैं तो फूड पॉइजनिंग की समस्या होती है। दूषित भोजन, गंदे हाथों से सब्जियां काटना और पकाना इसकी मुख्य वजह है। बिना ढका खाना खाने से भी फूड पॉइजनिंग हो सकता है। आपको बता दें कि गर्मियों में ये बैक्टीरिया और वायरस सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण ये समस्या होती है। ज्यादातर मामलों में फूड पॉइजनिंग की समस्या अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार स्थिति गंभीर हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर तुरंत राहत के लिए ORS का घोल और जरूरत पड़ने पर एंटीबायोटिक की दवाएं देते हैं। तो देखा आपने, गर्मी के मौसम में थोड़ी सी भी लापरवाही आपको बीमार कर सकती है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए ताज़ा और गर्म खाना ही खाएं। खाना खाने और बनाने से पहले और बाद में अपने हाथ अच्छी तरह से धो लें। आज के लिए बस इतना ही। हेल्थ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हेल्थ केयर टुडे। हम रखें आपका ख्याल।